सो हे गाइस, न्यूज़ बॉय हियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं यो यो हनी सिंह के बारे में। मुंबई में जो एनवायरनमेंट डे के दिन जो है एक शो था जहाँ पे एमयूए बंटा है, हनी सिंह सारे आए हुए थे। पहले एमयूए बंटा आते हैं, वो परफॉर्म करके जाते हैं, उसके बाद जो हनी सिंह आते हैं एंड उसी शो में जो यो यो हनी सिंह एमयूए बंटा के बारे में कुछ कहते हैं, आप देखिए। बहुत खतरनाक आदमी है वो, बहुत फायर है, बहुत फायर है। तो उसको जो है एमयूए बंटाई रीपोस्ट के अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखे, यो यो हनी सिंह भाई बहुत प्यार रिस्पेक्ट, बंटाई की पब्लिक हक है। चलिए अगली अपडेट के बारे में, अक्षय विलेज कुकिंग चैनल के बारे में। इनको तो आप सब लोग जानते हो, मतलब आप इनके वीडियोज नहीं देखते हो क्योंकि ये हिंदी में वीडियोज नहीं बनाते, लेकिन फिर भी आप में से बहुत सारे लोगों को इनके चैनल के बारे में पता ही होगा। तो रिसेंटली कमल हसन का जो एक मूवी रिलीज हुआ है विक्रम, वहाँ पे जो विलेज कुकिंग चैनल के जितने मतलब मेंबर्स है उन्होंने जो विक्रम के थ्रू अपना फर्स्ट मूवी डेब्यू किया है। यस, उनका भी रोल है उस मूवी में, यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंबर्स ऑफ द चैनल हु आर नोन फॉर cooking videos in YouTube appeared in Vikram as a cooking team for a marriage, uttering their trademark alarum vanga. The team members received huge roar from the audience in the theaters. Yes, was a thank you बोलते हुए अपने Instagram पर एक video भी post किए. So yes, huge congratulations to them. तो चलिए अगले update के बारे में बात करते हैं, एक biker के बारे में। तो यहाँ पर It's Rehans करके एक biker है जो कि bike ride कर रहे थे उनके अपने दोस्तों के साथ। तो क्या होता है कि वो गाड़ी वाला जो वो biker को ठोक देता है, मतलब जानबूझ के वो ठोक देता है, गिर जाते वो biker। तो यहाँ पर ANI यहाँ पर एक ट्वीट किया, a man hit a biker with his four wheeler following a heated verbal exchange with the biker group near Arjangar metro station in Delhi. Police say they have taken cognizance of the matter and investigation is on. यहाँ पे source बताया गया है biker's friend, मतलब कि जिनको वो गाड़ी वाले ने ठोका है उनके friend ने यहाँ पर बताया कि पुलिस का जो investigation चालू है इस केस के ऊपर। The biker says I was returning with 8 to 10 of my friends from Gurugram to Delhi when he came near us and started rash driving. He threatened and verbally abused my friend. My friend slowed down a little. But I drove ahead. The man sped up, hit my bike and sped away. Delhi police have identified the four-wheeler. Will take suo moto action in the case. Police have requested bikers to give a written complaint. FIR will be filed at Fatehpur Bairi police station. So as police ne jo four-wheeler jisne bhi thoka tha usko jo identify kar liya and police un bikers ko request kiya ki wo jo ek written complaint de. And yes, yahan par Shreyansh ko jo bahut zyada support mil raha hai pure community ki taraf se. Matlab bahut sare YouTubers bhi react kiye, wo thank you bolte ho apne Instagram par ek story bhi post kiye the jaise ki aap dekh sakte ho screen par. And wo kal bataye ki wo jo आज फतेहपुर बैरी पुलिस स्टेशन आ रहे हैं एंड वो अपने सारे राइडर फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट किए कि वहां पर वो हाजिर हो। सो जैसे इस केस से रिलेटेड और अपडेट मुझे मिलता है मैं आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ पे बाइक का बात होएगा तो बता दूं, फ्लाइंग बीस्ट अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किए जहां पर वो थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे, आप देखिए, जहां पर बेसिकली वो जिम जा रहे थे वो थोड़ा सा गुस्सा हो गए, क्यों आप खुद देखिए। It was at this moment that he knew he fucked up. क्या चला रहा है यार, पागल है क्या भाई? अरे भैया साला पुलिस ने रोका, एक तो भाग रहा ऊपर से मेरे को ठोकता। जीव आदमी है भाई, बीच चौराहे में तुम कहाँ से निकाल लोगे भाई, अकेली सुनसान सड़क को तो तुम कलाबाजिया दिखाओ, बीच बलक में ट्रैफिक में ऐसे काट रहा है, उसको पता ऐसे ऐसे लोग छोड़ो। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में, अक्षय अदनान 07 के बारे में। अदनान 07 के भाई अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट किए थे ये वाला, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, जहाँ पर देख के लग रहा था कि उनका जो डिस्ट्रैक्ट है उसका जो एडिट का काम चल रहा है अभी, एंड वहाँ पर वो एक स्टिकर शेयर किया था जहाँ पर लिखा हुआ है अभी मजा आएगा ना भिड़ू। ऑल्सो ने यहाँ पर एक यूट्यूबर है मिस्टर अभी करके, वो अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किए जहाँ पर बताया कि कुछ टाइम पहले जब थगेश वर्सेस अदनान 07 चल रहा था उस टाइम पे उन्होंने एक वीडियो निकाला था रोस्ट वीडियो। उसके बाद क्या हुआ कि उनको जो धमकी आया था अदनान 07 की तरफ से, वो स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो जहाँ पर लिखा हुआ है तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोस्ट करने की, साले तेरा चैनल उड़वा दूंगा। एंड मिस्टर अभी बताया कि कुछ टाइम बाद जो उन्होंने वो इंस्टाग्राम डीएम को अनसेंड कर दिया। सो अगर आप मिस्टर अभी का वो पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, आपसे कैरी मिनाटी के बारे में। तो कैरी मिनाटी एक ट्वीट किया, अपना वीडियो का अपडेट दिए, वो लिखे वीडियो अपडेट, स्केच की तैयारी में टाइम लग रहा है, सो आई एम थिंकिंग उससे पहले एक रोस्ट वीडियो बना लेता हूं, तो बताओ किस पे बनाई जाए। तो आपको पता होगा कुछ टाइम पहले वो बताए थे कि उनका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो स्केच वीडियो होगा, लेकिन यहां पर वो बताया कि स्केच की तैयारी में थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो उससे पहले जो एक रोस्ट वीडियो निकालेंगे। एंड यहाँ पर वो पूछे कि किसको रोस्ट किया जाए, तो वहाँ पे जो बहुत सारे लोग यही बोल रहे थे अभी जो कंट्रोवर्सी चल रहा है अदनान 07 के ऊपर, रोस्ट वीडियो निकालो, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब 2.0 को डी एंड कर दो, मतलब इस टाइप के बहुत सारे कमेंट्स थे। और जो वहाँ पर कुछ ऐसे कमेंट्स भी थे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, किसी भी टॉपिक पे बना लेना बस अदनान पर मत बनाना, बिकॉज़ आई डोंट वांट 2020 टू रिपीट,
आई डोंट वॉन्ट डेट टॉक्सिसिटी जस्ट ए सजेशन। फ्रिक्स ने लिखा था लॉल द मेजोरिटी पीपल विल से अदनान पे बनाओ टीम 07 को रोस्ट करो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब 2.2 एंड ऑल बट जस्ट डोंट। उन्हें सिर्फ क्लाउड चाहिए और कुछ लोगों को इससे एंटरटेनमेंट, जस्ट मेक ऑन समथिंग एल्स, बाकी जो मन हो बना लो, हम तो सिर्फ सजेशन दे सकते हैं। यस, जैसे कि मैं बताया बहुत सारे लोग अदनान 07 को रोस्ट करो, टीम 07 को रोस्ट करो, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब 2.0 पे वीडियो बनाओ ऐसा बोल रहे थे, एंड कुछ लोग जो है ये भी बोल रहे थे कि मत बनाओ उस टॉपिक पे। आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पर न्यू वीडियो का बात होएगा तो बता दो आशीष संसलानी भी एक स्टोरी पोस्ट किए थे जहां पर वो लिखे आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज गोना टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी बट वी प्रॉमिस इट विल बी वर्थ द वेट। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग रियली स्पेशल एंड यूनिक फॉर यू ऑल। एज मच टाइम इट्स गोना टेक वी आर गोना मेक श्योर वी डोंट रश और कॉम्प्रोमाइज विद इट्स क्वालिटी। इट्स इन द वेरी अर्ली स्टेजेस सो वी नीड योर ब्लेसिंग्स एंड लक। जैसे कि यहां पर वो बताए वो बहुत ही कुछ स्पेशल बना रहे एंड वो जो जल्दी जल्दी में नहीं बनाएंगे, क्वालिटी को वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब वो क्या बना रहे क्या है वो सब अभी कुछ भी पता नहीं है, जैसे पता चलता मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, मतलब मेरे बारे में भाई, न्यूज़ बॉय के बारे में। तो ना मैं कल YouTube सर्व कर रहा था एंड मुझे एक ऐड दिखा ये वाला, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, मतलब कैसा ऐड है मैं कैसे बताऊं मुझे खुद पता नहीं है भाई। तो मैंने उसे एक ट्वीट कर दिया YouTube बिकमिंग हरामी। तो उसके नीचे थगेश खुद रिप्लाई किया, वो लिखे भाई वही चीज आता है ऐड में जो आप सर्च कर रहे होते हो, बट मैंने सच बता रहा हूं मैं ऐसे टाइप की चीजें कभी सर्च नहीं करता यार, मैं सच बता रहा हूं भाई, मैं इस टाइप के तो बिल्कुल सर्च नहीं करता। तो मैंने भी रिप्लाई कर दिया भाई लॉन्ग वीडियोस बनाता हूं लास्टिंग तो है वैसे, सर्च तो पता नहीं। अब जो मैं ये बोला लॉन्ग वीडियोस बनाता हूँ लास्टिंग तो है वैसे, जिसको पता चल गया नहीं पता चला 18 प्लस हो जाओ भाई पहले। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, अक्षय सौरभ जोशी के बारे में। तो सौरभ जोशी के साथ एक फनी इंसिडेंट हो गया था। यस, वो अपने व्लॉग में दिखाया, आप खुद देखिए। फोटो लेने के लिए आप हमारे सब्सक्राइबर हो? सब्सक्राइब नहीं किया। गाइस पहली बार कोई ऐसे सब्सक्राइबर आए हैं जो कह रहे हैं हमने सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन वीडियो देखते हैं, लेकिन फोटो लेनी है। अब उनको सब्सक्राइबर कैसे बोल रहे हैं? अरे हाँ, तो जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारी वीडियो देखते तो वो हमारे क्या है? व्यूअर्स। जानते हो मुझे क्या ऐसी ऐसी नाम बताओ। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में, अक्षय फिंग के बारे में। तो फिंग जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे कुछ चैनल्स के ऊपर, किन चैनल्स के ऊपर वो मैं नहीं बताऊंगा, आप जो है फिंग के स्टोरीज देखिए आपको समझ आ जाएगा। ये चीज ना मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ कि काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स क्रिएटर्स हैं इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे जो ऐसी वीडियोस पोस्ट करते हैं कि जा रहे हैं गरीब लोगों के पास और फिर उनको पैसे दे रहे हैं, उसके बाद वो वीडियो क्या कहते हैं वही पोस्ट करते हैं और उसके बाद एक मैसेज आता है कि ओ गॉड, मतलब हमें इनकी मदद करनी चाहिए, इनके पास पैसे नहीं है तो हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। जस्ट शट अप, इससे फेक चीज मैंने दुनिया में नहीं देखी सही में, ठीक है? क्योंकि तुम जो दिखा रहे हो ना कि तुम चैरिटी करते हो और तुम मदद करते हो, दैट्स बुलशिट। तुम उन्हीं लोगों को यूज कर रहे हो अपने व्यूज के लिए, ठीक है? और मैं गारंटी देता हूं जो ये लोग हैं ना, इनमें से 99% लोग ऐसे होंगे जो ऑफ टाइम में ना इन्हीं गरीब लोगों को गाली देते होंगे, इन्हीं गरीब लोगों से रूडली। अगर मेरे सामने इनमें से एक भी इंसान आ गया ना, मेरे को पता चल गया कि वो ऐसी वीडियोस बनाता है, भाई छमाट मारूंगा जोर से खींच के। इस चीज की वजह से ना ये इतने सारे व्यूज और सब्सक्राइबर्स खींच लेते हैं ना भाई। तुम्हें चैरिटी करनी है ना, करो, डोंट शो इट। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में, अक्षय ए टू मोटिवेशन यानी अरविंद अरोरा के बारे में। तो इन्होंने जो रिसेंटली एक बुक लॉन्च किया था जिसको काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, इसके बारे में बताते हुए अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था, आप देखिए छोटा सा क्लिप। और फाइनली एक बुक लिखी और आज वो बुक हम सबके सामने है। उस बुक का नाम है द बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये बुक रिलीज होने से पहले प्री बुकिंग में ही बैंगलोर से लेकर दिल्ली तक छाई हुई है और अमेज़न पर अपनी कैटेगरी में नंबर वन पे ट्रेंड कर रही है। वहीं ओवरऑल बुक्स की लिस्ट में इंडिया में लाखों बुक्स के अंदर ये 25वें नंबर पर है। गाइस, मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप शेयर मार्केट को बिल्कुल बेसिक से समझना चाहते हैं तो इस बुक को एक बार अमेज़न पे जरूर खरीदेगा। तो ऐसे आजकल बस इतने अपडेट्स, अगर तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।